लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर पुलिस ने जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचने से रोका तो अखिलेश यादव ने सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा लगवा ली। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपी नाइसी ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। लेकिन लखनऊ में सियासी संग्राम का सूत्रपात पहले ही हो चुका था। अखिलेश यादव लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने की बात तय करके बैठे थे तो उन्हें रोकने की तैयारी भी जबरदस्त थी। अखिलेश के घर से जेपीएनआईसी तक के 3 किलोमीटर का रास्ता सील किया गया और वर्दी वाले मुस्तैद हो गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मोर्चे पर डट गए। धरना प्रदर्शन का पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। हार कर अखिलेश ने घर के बाहर जयप्रकाश की प्रतिमा लगवाई, मूर्ति पर फूल चढ़ाए और बीजेपी पर तीरों की बौछार कर दी। ये चाहते हैं कि समाजवादी लोग त्योहार ही ना मनाएं और यहाँ पर आंदोलन में नहीं। ये विनाशकारी लोग हैं, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सवाल है कि योगी सरकार ने अखिलेश को जेपीएनआईसी तक जाने क्यों नहीं दिया। सरकारी जवाब लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से 10 तारीख को जारी चिट्ठी में है, जिसमें निर्माणाधीन जेपीएनआईसी में कीड़े मकोड़े होने की आशंका जताकर अखिलेश की सुरक्षा को खतरा बताया गया था। इसके बाद भी अखिलेश 10 अक्टूबर की रात जेपीएनआईसी के गेट पर पहुंच गए, लेकिन प्रशासन अलर्ट था जिसने तमाम संभावित एंट्री पॉइंट्स को लोहे की चादर से ढक दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को, माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जेड प्लस की इतनी चिंता थी तो इन्होंने सिक्योरिटी हटाई है, ये इसी सिक्योरिटी जो रोकने में लगाई है, सिक्योरिटी के साथ ये भेज सकते थे और वहाँ पर सफाई कर सकते थे। लोकनायक के नाम पर सियासी लड़ाई कीड़े बिच्छू से आगे बढ़ी तो यूपी की सरहद पार कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँच गयी। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। नीतीश कुमार इनको सोचना चाहिए कि उन लोगों के साथ क्यों रहें जो जयप्रकाश जैसे लोगों का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हैं। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी नीतीश को समाजवादी धर्म याद दिलाने लगी। इसके बाद जेडीयू ने एक झटके में एसपी और कांग्रेस दोनों से हिसाब बराबर कर लिया। आज नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो मुंह खोलते हैं या वो चुप रहते हैं। हम अखिलेश यादव जी को सलाह देना चाहते हैं कि उनके पिताजी को और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में बंद रखा, आजादी समाप्त की, अखिलेश जी को उस कांग्रेस पार्टी से अपने रिश्ते समाप्त करने चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.